आलू तो सब्जियों का राजा है फ्रेंड्स, तो क्यों ना आज राजा को ही बनाया जाए प्रजा के साथ, मेरा मतलब है मसाले के साथ। फ्रेंड्स आज मुझे लंच में सब्जी बनाने के लिए कुछ सब्जी नहीं थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आलू ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोकरी में से एकदम छोटे छोटे साइज के आलू को ढूंढ के निकाल लिया था, उसे फोक की सहायता से छोटे छोटे होल कर दिए हैं एक दो बार, ताकि मैं नमक डाल के जब आलू को बॉईल होने के लिए रखो तो आलू मेरे फीके ना लगे, अंदर तक अच्छे से नमक का स्वाद लगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले में ले लिया था खोबरा, काजू, कांदा और टमाटर, अच्छी तरह से भूंज के इसे मैंने पीस लिया है। अभी अभी मैंने चपाती बनाई थी फ्रेंड्स, तो प्लेट में तेल था तो आलू भी बॉईल हो गए थे, तो मैंने आलू को छील करके प्लेट में ही इसको तेल लगा लिया है इस तरह। और तवा भी गर्म था क्योंकि मैंने अभी भी चपाती बनाई थी, तो इसी तवे पे मैं आलू को फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स आप चाहे तो तेल में भी फ्राई करके निकाल सकते हो, पर मैंने काम इजी करने में और फटाफट करने के लिए इस तरह किया है। फ्रेंड्स तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाला है, साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूंगी और जो कि मसाला मैंने पीस के रखा था ना वो भी इसमें डाल दूंगी, इसे मिक्स कर दूंगी और ढक के मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूंगी ताकि भाजी में से अच्छा सा तेल छूट जाए। प्लेट ऊपर की गर्म हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को फ्राई करके डाल देती हूँ, थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी को भी मैंने डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, इसे मिक्स करूंगी और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद 4 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। दही को भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और जो कि आलू को मैंने फ्राई करके रखा था ना तवे पर उसको भी डाल दूंगी। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स आलू को। मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया था और उसे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के रख दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी भाजी जो है वो बन के तैयार हो गई है, इसमें से अच्छा सा तेल छूट गया है और भाजी भी अच्छी तरह से पक गई थी मेरी। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर इसमें अगर आपको ग्रेवी करना है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ही ग्रेवी कीजिएगा ताकि तरी जो है वो हटे ना। तो यहाँ पे झटपट आलू की सब्जी मेरी बन करके तैयार।